हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली जो मेरे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है उसी के बेस्ड है। बेसिकली इसमें जो है वो हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम जो कि टॉपिक्स हम बिल्कुल कवर कर चुके हैं उससे उठा के और कुछ जितने भी अवेलेबल यूपीएससी के या एसएससी के या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम तो वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो कुछ अपनी वीडियोज़ में से इंक्लूड किए हैं। तो ओवरऑल हर एक तरह का क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में कवर होता है एज फार एज इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम टॉपिक्स आर कंसर्न। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट इससे रिलेटेड था एक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जिसमें कमेंसलिज्म वगैरह ये सारा कुछ आता था, तो उसके बेस जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देन जो प्रोजेक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, तो उसके रिलेटेड अलग से क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोज होंगी। तो मेरा मकसद ये है कि कुछ भी चीज़ जो है वो आपकी इन टॉपिक्स में से रह ना जाए। ठीक है, तो इसके चलते जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट्स में छूट गई हों या किसी तरीके से कवर नहीं करी हों या बिल्कुल बेसिक्स हों इसलिए नहीं करी हों, तो वो आपकी क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चन सीरीज के थ्रू कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें अगर इन दो टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो होपफुली आपका कवर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी, अर्नस्ट हेकल ने इन 1885। ठीक है, सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी बिकॉज मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि इससे पहले आपने मेरी इकोलॉजी इकोसिस्टम्स की वीडियोस देखी हैं। ठीक है, अगर नहीं भी देखी है तो फिर भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। सो नेक्स्ट इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। सो आंसर इज सी, दैट इज रामदेव मिश्रा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस इकोलॉजी। फर्स्ट इज, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी मेनली डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये भी सही है, राइट। देन देयर रिलेशनशिप अमंग ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी बेसिकली, एक तो ऑर्गेनिज्म खुद है ना, फिर उनका आपस में रिलेशनशिप दैट इज अमंग ईच अदर, एंड एक चीज़ और पढ़ी थी विद द एनवायरनमेंट उनका क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो दैट डिफाइंस द इकोलॉजी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ गिवन स्पेस। तो ये नहीं पढ़ा था हमने कहीं पे भी, ठीक है, तो ये तो हो गया कम्युनिटी हो गई बेसिकली, है ना, डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ गिवन स्पेस, तो ये कम्युनिटी हो गई, तो ये ऑप्शन आपकी गलत है। सो आपकी ऑप्शन क्या आएगी, 1 and 2, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल्स इन द डेजर्ट हैव लॉन्ग ईयर्स इन ऑर्डर टू, क्यों होते हैं लंबे कान जो डेजर्ट्स में जैसे कैमल वगैरह होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट जो है वो अपनी बॉडी से लूज कर सके और दे कैन कीप देमसेल्व्स काम, है ना, तो और कोल्ड। तो आंसर आपका आएगा इंक्रीज हीट लॉस, बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल होता है, फिर कम्युनिटी, सॉरी पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होता है, फिर बायोस्फीयर बायोम होता है, फिर बायोस्फीयर होता है ना, सारे ऑर्डर्स हमने पढ़े थे। तो इंडिविजुअल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने देखनी है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है आपको। सो इंडिविजुअल्स डू नॉट ब्रीड विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम दी अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सेम ग्रुप्स सिमिलर ग्रुप्स में ही वो इंटरब्रीड करते हैं, है ना। देन नेक्स्ट इज, इन सॉरी एन इंडिविजुअल इज फुली अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग विच आर कॉल्ड स्पीशीज। तो ये गलत है बिकॉज अगर यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज होता तो फिर आ सकता था, बिकॉज इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करें तो ही वो ब्रीड कर सकते हैं, तो ही वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आपकी जो ऑप्शंस हैं वो सही तो ये दोनों ही हैं। सो गलत कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन। सो आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज दैट लिव इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है यहाँ पे, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज दे आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन यहाँ पे होता तो फिर उसको क्या बोलते, कम्युनिटी बोलते ऑब्वियसली, अब इंडिविजुअल्स है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ कम्युनिटी. अब कम्युनिटी क्या होता है, टू और मोर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, नो, टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या हो गया, टू और मोर पॉपुलेशंस क्या मिला के क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएंगी. ठीक है, सो आंसर इज डी. नेक्स्ट इज द टर्म इको सिस्टम वॉज कॉइंड बाय, इको सिस्टम जो टर्म है दैट वॉज कॉइंड बाय सर आर्थर टॉसले, सो द ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट स्पीशीज इज इन एन इको सिस्टम इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, कभी कभी एनवायरमेंट में कुछ टेम्परेचर में कुछ किसी तरीके की कुछ प्रेशर में किसी भी तरीके की कुछ एटमोस्फेरिक गैसेज में कुछ चेंजेस आ जाती हैं. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट स्पीशीज को कौन से फैक्टर से अफेक्ट होगा. सो अ चेंज इन विच ऑफ दीज फैक्टर इज लीस्ट लाइकली, तो कौन से फैक्टर होंगे जो उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोस्ट स्पीशीज. फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज सॉयल पीएच, थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फोर इज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर. तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी, सॉइल पीएच. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो अगर जब कैटरपिलर होता है, ठीक है, बहुत स्पीशीज जब कैटरपिलर की स्टेज पे होती है तब अगर कुछ कैटरपिलर जो होते हैं वो ग्राउंड्स में होल करके रहते हैं, उस केसेस में उनको सॉइल की पीएच से अफेक्ट हो सकता है. बट क्योंकि यहाँ पे मोथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी किसी लार्वल स्टेज के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, दैट इज सॉइल पीएच. Then next is the natural place of an organism or community is known as, natural place की बात हो रही है तो obviously क्या आएगा, habitat. Answer is C. Next is according to Shelford's law of tolerance, the organism's wide environmental factor tolerance limit show, ये option आपका आएगा B, wide distribution with high population size. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी हमने कर चुके हैं, नेटेलिटी भी करेक्टराइज करती है पॉपुलेशन को, ठीक है, मोर्टेलिटी भी करती है, सेक्स रेशियो भी करती है, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो नहीं करती है. ठीक है, तो इसने नहीं वाला फीचर पूछा है. आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी. नेक्स्ट इज लिंकन इंडेक्स. लिंकन इंडेक्स बच्चे ये बेसिकली होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, सो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज द अबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडल एनवायरमेंटल कंडीशंस. उसको क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हो उसके अंडर जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है तो उसको क्या बोल सकते हैं, बायोटिक पोटेंशियल. ठीक है, सो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी. नेक्स्ट इज ऑन द अर्थ सर्फेस थ्री एबायोटिक सिस्टम्स आर ओवरलैपिंग टू फॉर्म रियम ऑफ बायोटिक सिस्टम. बेसिकली जो मिला के क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर. सो एबायोटिक स्फीयर्स कौन कौन से हैं, एटमोसफेयर है, हाइड्रोस्फेयर है. ठीक है, एटमोसफेयर जिसमें गैसेज होती है, हाइड्रोस्फेयर जिसमें वाटर वगैरह होता है, लिथोस्फेयर जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है, रॉक्स आती है ना. तो ओवरलैपिंग बायोटिक स्फीयर इसको क्या बोलेंगे हम, बायोस्फेयर. ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये यूपीएससी का क्वेश्चन है. 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर बट लेस देन 3% इज फ्रेश वाटर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. देखा जाए तो अगर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत ही कम है. लेक बेकाल है, एक आदि और है ना. नेक्स्ट इज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल आइस कैप हैज हाईएस्ट शेयर ऑफ 2% फॉलोड बाय ग्राउंड वाटर दैट इज 0.68%. तो ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन आ जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज अमंग दीज विच इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक होता है लिविंग, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग. तो इसमें देख लो कि नॉट उसने पूछा है तो ऑब्वियसली लिविंग होगा, नॉट वाला ऑप्शन. तो इसमें लिविंग कौन सा, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ये बायोटिक कंपोनेंट है. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. ये गलत है. ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने के लिए बोला है. कंज्यूमर्स को हम ऑटोट्रॉप्स को नहीं बोलते हैं, दे आर हीटरोट्रॉप्स बेसिकली बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड. नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ सन एक्सपोजर इज कॉल्ड फोटो पीरियड. तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड हीटरोट्रॉप्स. तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं. तो ये जो ऑप्शन 1 and 3 लिखे हैं ये उल्टी लिखी हुई है ना. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाली. तो ऑप्शन आपका आएगा बी. तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था.
नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू कीमोसेंसिस, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कीमोसेंसिस जो है बेसिकली जब केमिकल्स केमिकल एनर्जी से बेसिकली अपना जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं है ना फूड ऑब्टेन करते हैं, जनरली जो एशियन ओशियन वगैरह में होते हैं, जो सॉइल में काम करते हैं बैक्टीरिया बेसिकली कई होते हैं जो एबायोटिक सॉरी अपना एरोबिक कंडीशंस में काम करते हैं है ना, तो वो भी बेसिकली केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. तो ओशियन में भी कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली केमिकल एनर्जी यूज़ करके जो है वो फूड ऑब्टेन करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं बेसिकली. तो ये द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज सच एज सल्फर अमोनिया हाइड्रोजन. एनर्जी जो होती है दैट इज रिलीज्ड व्हेन दीज सब्सटेंसेज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म. ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स एट द बॉटम ऑफ ओशन एंड इन डार्क केव्स डेवलप देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सी. नेक्स्ट इज अपर पार्ट ऑफ सी और एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स प्लैंकटन नेक्टन. प्लैंकटन ये दोबारा लिख दिया, बैंथोस. बैंथोस बिल्कुल बॉटम पे होते हैं. ठीक है, नेक्टन जो होते हैं वो मूविंग स्विम करते होते हैं. ठीक है, थ्रू आउट द ओशन. और प्लैंकटन जो होते हैं वो अपर पार्ट पे होते हैं. तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ए और सी दोनों में. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इको सिस्टम ऑफ लेक. तो ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था. मोर द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन लेक, मोर इज द लाइफ ऑफ लेक. तो ये बिल्कुल गलत है. अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स या बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो लाइफ होगी लेक में वो थोड़ी सी डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, देन उसके बाद बिकॉज इसमें ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो यूट्रिफिकेशन भी हो सकता है. ठीक है, बीओडी इंक्रीज हो सकता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. द नेक्स्ट इज फॉस्फोरस एडिशन इन द लेक एक्सेंचुएट्स द डिके ऑफ लेक. तो ये बिल्कुल सही है ना. धीरे धीरे यहाँ पे फॉस्फोरस भी एक तरह के न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है ना, तो वैसे ही प्लांट्स जो है वो एक्सेस में ग्रो करना शुरू कर जाएंगे और ऑब्वियसली धीरे धीरे लेक जो है वो एक मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो सकती है ना. सो यहाँ पे ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ टू आएगा. नेक्स्ट इज वट इज ट्रू ऑफ इको सिस्टम. तो ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है. प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स. तो ये बिल्कुल गलत है. कंज्यूमर्स हमेशा ही प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स. तो ये भी गलत है, ये हमेशा के लिए सही नहीं है. देन नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर नंबर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका आ जाएगा सी. नेक्स्ट इज निच ओवरलैप. निच ओवरलैप का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन टू स्पीशीज. ठीक है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज द सम टोटल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब पॉपुलेशन का जो सम होता है वो कम्युनिटी ही बोलते हैं उसको, राइट. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी. नेक्स्ट इज द अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट. इसको हम निच डेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, अबंडेंस ऑफ स्पीशीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट. नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में. रिसेंटली अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स अ हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट बल्ब. सो ये किस पार्ट में डिस्कवर किया गया था. ये डिस्कवर किया गया था अंडेमान आइलैंड्स में. ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज अगेन ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में. देर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गम ब्लूम्स इन द सी वाटर्स ऑफ इंडिया. तो जब मैंने यूट्रिफिकेशन का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था है ना, तो उसमें मैंने आपको एल्गन ब्लूम्स के बारे में भी बताया था. तो ये बेसिकली जो है ये सी वाटर्स को थोड़ा सा ये अफेक्ट करते हैं. सो व्हाट कुड बी द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर दिस फिनोमेनन. सबसे पहला जो है दैट इज डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्टुरीज. तो इसकी वजह से भी जो है वो बेसिकली एल्गम ब्लूम्स ग्रो करते हैं. बेसिकली उसने पॉजिटिव फैक्टर्स पूछा है ना एल्गम ब्लूम्स के ग्रो करने का या इंक्रीज होने का. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जब उनका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है एस्ट्रीज वगैरह में तो उसकी वजह से भी एल्गल ब्लूम्स जो है वो बनते हैं. ठीक है, एल्गी के जो ऐसे फिर बड़े 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 गोले गोले बन जाते हैं. नेक्स्ट इज रन अप फ्रॉम लैंड ड्यूरिंग द मानसून. तो इसकी वजह से भी बनते हैं. देन अपवेलिंग इन द सीज. तो इसकी वजह से भी बनते हैं. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट इट्स फंक्शनल. फंक्शनल रोल जहाँ पे भी आ जाएगा तो दैट मीन्स के इट्स टॉकिंग अबाउट निच. ठीक है, इकोलॉजिकल निच बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वुड हैपन इफ फाइटो प्लैंकटन ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन. तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था. फर्स्ट इज द ओशियन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड
तो ओशन क्योंकि कार्बन सिंक का सोर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको अफेक्ट होगा, होगा ही होगा, है ना। फाइटोप्लैंक्टन जैसे धरती पे प्रोड्यूसर्स की जो वैल्यू होती है, ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स की वही वैल्यू होती है, तो ये अफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट इज फूड चेंज इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो ये भी होगा ही होगा। नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी को, है ना। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, वन एंड टू ऑनली। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन इसने पूछा, फूड चेन क्या होता है, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है ना, सक्सेसिव लेवल, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे। तो डायटम्स, डायटम्स जो है एक तरह की एल्गी होती है, क्रस्टेशियंस जो होते हैं, जो क्रैब्स वगैरह होते हैं, लॉबस्टर्स वगैरह होते हैं, हेरिंग्स जो होते हैं, ये बेसिकली फिशेस की तरह होती हैं। तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डायटम्स आर ईटेड बाय, आर ईटन बाय क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस आर ईटन बाय हेरिंग्स। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। अभी हमने पढ़ा है ना, डायटम्स आर ईटन बाय क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन आर ईटन बाय हेरिंग्स, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, ये तो बिल्कुल गलत है ना, बंदा बंदे को थोड़े ना खाता है। नेक्स्ट इज फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन, तो नंबर का तो कोई इसमें होता ही नहीं है ना, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा वन ओनली। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का है, विद रेफरेंस टू द फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स किन को बोला जाता है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, नॉट वायरस, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा टू एंड थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट इज लाइकेंस, लाइकेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसके बीच में, एल्गी एंड फंजाई के बीच में, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, बेसिकली अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टूगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज स्लो मूविंग और टिल वाटर लाइक पूल्स, ये भी हमने किया था, लेक्स और पॉन्ड जो मतलब स्टेगनेंट वाटर होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो किस तरह के एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक, ठीक है। लोटिक होता है जो फास्ट मूविंग होता है, जैसे रिवर्स वगैरह होते हैं। देन नेक्स्ट इज वेयर वी कैन फाइंड कॉनिफ्रस फॉरेस्ट इन इंडिया, तो वी कैन फाइंड कॉनिफ्रस फॉरेस्ट इन हिमालयाज, है ना, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज वाई मोस्ट ऑफ द सनलाइट डज नॉट पेनिट्रेट टू ग्राउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में कैनोपी जो होती है ट्रीज की, वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, जिसकी वजह से ग्राउंड पे जो प्लांट्स होती है उनकी वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो क्यों कम होती है, बिकॉज सनलाइट वहां तक पहुंच नहीं सकती है। तो क्यों, क्या रीजन है क्यों नहीं पहुंचती है, बिकॉज ऑफ ट्रीज ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है। कैनोपी जो होती है वो बहुत डेंस होती है, देन क्योंकि वहां पे रेन बहुत ज्यादा होती है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज वेयर वी कैन फाइंड थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया, वी कैन फाइंड देम इन सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट इज अ सिंगल बैक्टीरियम इन द सॉइल इंटरेक्ट्स विद वाटर एयर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल अराउंड इट, ऑल द अबव, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, दैट इज ऑल द अबव। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इकोसिस्टम का सेट हमने पढ़ा था, ये बायोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे ग्रास लैंड का सेट है तो उसको भी एक बायोम बोलेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट का एक सेट मान लो उसको भी बायोम बोलेंगे। टेरेस्ट्रियल बायोम की कोई एग्जाम्पल, यहाँ पे रिवर्स तो हो नहीं सकते, स्ट्रीम्स भी नहीं हो सकती, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल बायोम हैज अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ऑब्वियसली सारा कुछ होता है, सारे साइकिल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स में, ऑल द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक बायोम। लोटिक बायोम क्या होता है, फास्ट मूविंग वाटर होता है, तो रिवर्स मैंने आपको बोला है, ठीक है, सो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए, लेक्स एंड ओशियंस नहीं है, ठीक है, दे आर लैंटिक। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैव बीन नोन टू सस्टेन लाइफ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड एज फॉल्सम बॉटल्स, ठीक है, ये आप याद रख लेना, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से। नेक्स्ट इज एवरी इकोसिस्टम हैज डैश मेजर कॉम्पोनेंट्स, कितने होते हैं, दो ही होते हैं, बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग कौन है, सॉइल भी नॉन लिविंग है, कार्बन भी, प्रोटीन भी, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, ऑल दी अबव।
नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेरीन बायोम. मेरीन बायोम इसमें से कौन है? रिवर तो नहीं है, लेक्स भी नहीं है, ठीक है, तो ओशियंस रह गए. ऑप्शन आपका आ जाएगा सी. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? एल्गी भी प्रोड्यूसर्स होती हैं, ग्रीन प्लांट्स भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, ऑल द अबव. सो व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ऑटोट्रॉफ्स? दे आर सेल्फ नरिशिंग, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, ड्राइव एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, बिल्कुल ठीक है, जीपीपी जिसको हमने पढ़ा था, मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी बिल्कुल सही है. सो ऑल द अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट इज डैशर प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? दोज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, तो वो कौन होते हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, तो कौन होते हैं? वो हीटरोट्रॉप्स है ना, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं हम, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी. नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. इनमें से सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? ऑब्वियसली कार्निवर्स, जो किन के ऊपर डिपेंड करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर, वो कौन होते हैं? हर्बीवर्स, है ना. देन द फॉलोइंग है वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन, जो सारा कुछ खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, ग्रास भी खा लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? बेसिकली ओमनीवर्स, है ना, सी. नेक्स्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज क्लोरोफिल टू ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी? केमिकल एनर्जी, राइट, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक मॉलिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिकल्स में, ठीक है, यूजिंग केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट बाय डीकंपोजर्स एंड देन रीयूज्ड बाय, ये हमने साइकिल्स में पढ़ा था, है ना, तो कौन उसको रीयूज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को? उनको यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स अगेन, ठीक है, ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज एन अ पॉन्ड इंसेक्ट्स एंड स्मॉल फिशेज आर, ये टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल फिशेज, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना. नेक्स्ट इज ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट डज रीच द अर्थ सर्फेस इंसिडेंट एनर्जी अबाउट डैश परसेंट इज अल्ट्रा वायलेट, कितने परसेंट अल्ट्रा वायलेट होती है? दैट इज 10%. नेक्स्ट इज इसमें जो है वो फूड चेन के बारे में पूछा है, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को फ्रॉग तो नहीं खाता है, ग्रास हुपर खाता है, ग्रास हुपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खाता है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज स्वानाज एंड प्रेरीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ ग्रास लैंड, तो प्रेरीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है, बेसिकली स्वानाज जो है ये अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में ट्रॉपिकल जो एरिया पड़ता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ऑब्वियसली दीज आर ट्रॉपिकल काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स. और प्रेवीज जो हैं ये स्टेपी वेजिटेशन है नॉर्थ अमेरिका में, तो ये टेम्परेट जो है वो ग्रासलैंड्स की टाइप्स हैं, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी. नेक्स्ट इज दे परफॉर्म अ वेरी वैल्यूएबल सर्विसेज बाय रिलीजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दैट आर टेकन बाय प्लांट्स वन मोर, तो कौन होते हैं? अभी पढ़ा है हमने डीकम्पोजर्स, है ना, सी. नेक्स्ट इज इट इज अ स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, जब हम सिंगल स्पीशीज की इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, राइट, जबकि जब हम पूरी कम्युनिटीज की, किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी कम्युनिटीज की इकोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसको हम सिन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आएगा. ग्रास हीटर्स, ग्रास हीटर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स, राइट. Then next is these ecosystems obtain their water from rivers and are often extremely seasonal. ठीक है, तो ये seasonals होते हैं, basically rivers से अपना पानी जो है वो obtain करते हैं, ये flood lands होते हैं, ठीक है, ये ecosystems जो होते हैं, option आपका आ जाएगा A. Next is these ecosystems are found in areas of embedded drainage where water run off the surrounding land and collects or where groundwater lies close to the surface. Means थोड़ी throughout the year थोड़ा बहुत पानी जो है यहाँ पे खड़ा ही रहता है, तो ये basically marine wetland होते हैं, ठीक है, option आपका आ जाएगा C. Next is a subset of general evolutionary relationships between species in a कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज को एवोल्यूशन, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बीच में जो पॉलिनेशन का जो रिलेशन है दैट इज को एवोल्यूशन बेसिकली. देन नेक्स्ट इज दीज इकोसिस्टम रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेनफॉल, नॉट फ्रॉम स्ट्रीम्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनको रेनफॉल से पानी मिलता है, तो दीज आर कॉल्ड एज बॉग्स, ठीक है, बी. Next is, these refer to complicated feeding relationships that exist among organisms in a natural ecosystem. ठीक है, तो food webs होते हैं, ठीक है, complicated feeding relationship, food chains को multiply कर दो आप, है ना, तो they are called as food webs.
नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू रिलेशनशिप यूजली प्रोड्यूस एन आर्म्स रेस ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म. ये बेसिकली जो प्रेडेटरी एंड प्रे का जैसे रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, जैसे प्लांट्स एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका पॉलिनेशन का रिलेशनशिप, उसको को एवोल्यूशन बोल देते हैं, राइट. बट जो अटैक एंड डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें यूज होता है, दैट इज एंटागनिस्टिक को एवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम प्रेडेटर एंड प्रे का या पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट इज अ जोन ऑफ जंक्शन और अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स और टू डाइवर्स इकोसिस्टम इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं इकोटोन. ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसमें जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच वाला जो एरिया है, सॉरी डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच वाला जो एरिया होता है दैट इज ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड क्या है, उन दोनों के बीच में इकोटोन है. सो ग्रासलैंड इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही आ गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इकोटोन. सो इकोटोन क्या है, अ वेल वेल इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिजम्स विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट एट जॉइनिंग कम्युनिटीज, ठीक है, जो बाहर से भी आ जाते हैं, कई बार उनका नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज यूजली द नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, तो ये भी सही है. एंड इट मे बी नैरो और वाइड, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है. सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली इन इकोटोन रीजन, ये भी हमने पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं, एज स्पीशीज, है ना, एज इफेक्ट होता है बेसिकली इकोटोन जो होता है, तो वहाँ पे जो स्पीशीज पाई जाती है उनको हम एज स्पीशीज बोलते हैं. नेक्स्ट इज कुलीनियन ट्री फाउंड इन कलाकड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व इन अगस्तमलाया हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है कि अगर उनको निकाल दिया जाए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उससे अफेक्ट होती है, है ना, ये भी हमने पढ़ा था, इसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने. नेक्स्ट इज अ स्पीशीज दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स एंडपेंडेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज, है ना, जैसे एलिगेटर वगैरह था हमने पढ़ा था, वोल्फ पढ़ा था. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था, तो अभी जो क्वेश्चन थोड़े से हैं उसके ऊपर है. फर्स्ट इज इट इज प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, तो ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज टाइम स्केल कैन बी डेकेड्स, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ वाइल्ड फायर, ठीक है, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, और इवन मिलियंस ऑफ ईयर आफ्टर अ मास एक्सटिंक्शन जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है. सो बोथ आर करेक्ट. तो बट इसमें उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर जो है वो डी आएगा, दैट इज नन. नेक्स्ट इज सक्सेशन दैट बिगिंस इन न्यू हैबिटेट्स अन इन्फ्लुएंस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, बिल्कुल मतलब बेयर एक जो इकोसिस्टम से जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज सक्सेशन इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है. शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वॉयर्स, ये भी बिल्कुल सही है. डिक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये गलत है, ठीक है. सक्सेशन में हमेशा जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्रीज होता है. एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स, तो ये भी बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 1, 2 and 4, सो ऑप्शन इज डी. देन नेक्स्ट इज सक्सेशन दैट फॉलोज डिस्ट्रप्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है. फाइनल स्टेज कौन सी होती है सक्सेशन में, ये हमने पढ़ा था. फाइनल स्टेज को क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं. नेक्स्ट इज जो स्टेबल होती है ना. देन उसके बाद 84th क्वेश्चन है, ईच ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग, मतलब ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो भी आएगी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटी, है ना, बी आपका ऑप्शन आ जाएगा बी. नेक्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ इन एन एरिया दैट वॉज प्रीवियसली अनइनहैबिटेड, ये भी सही है. प्रीवियसली बैरन, ये भी सही है. अनऑक्यूपाइड, ये भी सही है. एंड देर वॉज नो इनिशियल वेजिटेशन, ये भी सही है. सो ऑल द करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज न्यूली फॉर्म्ड बेयर रॉक डेजर्ट पॉन्ड्स, ये कौन सी एग्जाम्पल, बेयर रॉक, जहाँ पे भी बेयर वर्ड आ गया दैट मीन्स न्यूडेशन, दैट मीन्स न्यूडेशन वहां से स्टार्ट होती है जहां से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए. नेक्स्ट इज वेयर द टाइम टेकन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ सक्सेशन इज 1000 ईयर्स और मोर, उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन. नेक्स्ट इज एरिया कवर्ड अंडर डिफॉरेस्टेशन और अफेक्टेड, मतलब मीन्स कि पहले वहाँ पे वेजिटेशन था, अब नहीं है, इन रीजंस के कारण डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन. नेक्स्ट इज द सॉइल इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद सम ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ सॉइल कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन. कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन. ऑप्शन आपका आ जाएगा सी.
नेक्स्ट इज द पाइनियर्स इन जिरार्क सक्सेशन. जिरार्क सक्सेशन होता है जब यहाँ पे जैसे डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे क्रस्टोस लाइकन जो होता है ये पाइनियर स्पीशीज होती हैं. देन नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशीज इन अ न्यू एरियाज इज कॉल्ड एज एसीसीज. इसको हम एसीसीज बोलते हैं, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ न्यू एरिया. नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन सक्सेशन. में जो बेसिक प्रोसेस होता है दैट इज न्यूडेशन पहला स्टेप होता है, ठीक है. बिल्कुल बेयर जगह होती है, वहाँ पे कोई स्पीशीज आती है, उसका इंट्रूजन होता है, इन्वेशन होता है, फिर कॉम्पिटिशन होता है, कोएक्शन होता है, देन रिएक्शन होता है, देन एंड में वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है. स्टेबलाइजेशन होता है. तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म. यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया आपको, न्यूडेशन. नेक्स्ट इज अ पायनियर स्पीशीज सच एज डैश आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस दैट ग्रो ऑन अ बेयर रॉक. तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेंस, ठीक है. एल्गी एंड फंगस ये भी पढ़ा था हमने. लास्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लडिंग एंड टॉर्नेडोज आर लिंक टू डैश सक्सेशन. नेचुरल डिजास्टर्स मतलब सेकेंडरी सक्सेशन ही होगा वहाँ पे ऑब्वियसली. सो दीज आर ऑल एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इकोलॉजी एंड इको सिस्टम. इसके बाद जो है वो जो भी मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड मैं MCQ बेस्ड वीडियो जो है वो लेके आऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.